परसोल ऐसी 5% जेल के बारे में रिव्यू करेंगे। भाई क्या है, कहाँ चलती है, किस तरह से काम करती है, कौन कौन सी बीमारियों में काम आती है, कहाँ पर नहीं लगानी है, ये डोज क्या है, जानेंगे सब कुछ। सो देखिएगा, देखिए परसोल ऐसी एक ब्रांड नेम है वेलेस कंपनी का। वेलेस कंपनी बनाती है, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट बनाती है। जनरली इसके प्रोडक्ट हर दवाई की दुकान पर मिल जाते हैं। दोस्तों डर्मोटोलॉजिस्ट स्किन स्पेशलिस्ट इसे प्रिस्क्राइब करते हैं, लगाने की आती है, खाना नहीं है, सेल्फ यूज भी नहीं करना है, ठीक है। कई बार इस नाम से नहीं भी मिलती है तो अल्टरनेटिव ब्रांड भी आते हैं, जैसे कि परनेक्स आते हैं ओकरेट कंपनी का, बेंजेल ऐसी आती है एच एंड एच कंपनी की, बेंजेक ऐसी आती है दोस्तों ग्लिटरमा कंपनी की, वो भी ले सकते हैं, और भी इनके सिवा मिल जाते हैं। सभी में दोस्तों एक ही सोड आता है बेंजोइक प्रोक्साइड। बेंजोइक प्रोक्साइड की बात करें कहाँ यूज होगा, तो स्किन की प्रॉब्लम में यूज होता है, फेशियल स्किन की प्रॉब्लम में। कई बार फेस की स्किन के ऊपर बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाते हैं, जिनके कारण फिर नई नई एक्ने आने लगती है, किल मुहासे बनने लगते हैं, वाइट हेड ब्लैक हेड मुहासे भी आने लगते हैं, जो कि फिर बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, स्किन को लाल कर देते हैं, इचिंग बहुत ज़्यादा चलती है, साथ ही साथ निशान भी पड़ जाते हैं। दोस्तों इनके अलावा ये छाया की प्रॉब्लम भी काम आती है, डेड सेल्स को रिमूव करने के भी काम आती है। मोटिवेशन की बात करें किस तरह से काम करती है, तो देखिए एज ए एंटीबायोटिक की तरह काम करती है, बैक्टीरिया को ख़त्म करती है, साथ ही साथ उनकी ग्रोथ को भी रोक देती है, और उन प्रोटीन को भी नहीं बन देती जिन प्रोटीन को खाकर बैक्टीरिया पनपते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये रिमूव करती है इस डेड सेल्स की लेयर को, कई बार वो लेयर जमा हो जाती है, हटती नहीं है, जिनके कारण स्किन ब्लैक दिखती है, छाया की प्रॉब्लम पड़ जाती है। दोस्तों उनके नीचे नीचे फिर एक नई प्रॉब्लम भी होने लगती है, तो उसी लेयर को ये कम्प्लीटली हटा देती है, तो स्किन लाइट भी करती है, एक नेचुरली ग्लो देती है। बात करें भाई किस तरह से लगाएं, तो आप रात को लगा सकते हैं सोने से पहले, या सुबह शाम भी लगा सकते हैं, लेकिन लगाने के बाद सन प्रोटेक्शन आपके लिए अच्छा जरूरी होता है, क्योंकि ये स्किन को लाइट करती है, तो अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाना पड़ता है, या तो फिर आप अच्छा कंपनी वाला SPF यूज कीजिएगा, जो कि 50+ हो या 40+ हो। दोस्तों उतने एरिया में लगानी है जितने एरिया में प्रॉब्लम है, बाकी सेफ एरिया में नहीं लगानी है। साइड इफेक्ट की बात करें थोड़े बहुत हो सकते हैं, स्किन जलना, लाल होना, किल मुहासे बढ़ जाना, ये इसके साइड इफेक्ट है, रेयर है, हर किसी को नहीं होती, घबराने की बात नहीं है। दोस्तों सावधानी इसकी यही है कि डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में भी डॉक्टर की सलाह जरूरी होती है, वहाँ पर भी सेल्फ यूज़ नहीं करना है। लगाने के बाद बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो रहा हो तो तुरंत इसका यूज़ करना बंद कर दीजिएगा, डॉक्टर को जरूर बताइएगा। तो दोस्तों संपूर्ण रिव्यू था, वीडियो कैसे लगा कमेंट में सोचाएगा, कुछ भी सोचा लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं वीडियो में।